वेलकम टू स्मार्ट एक वीडियो तो ये वीडियो एपिसोड नंबर वन है यूट्यूब गाइड करके हम स्टार्ट कर रहे हैं तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और अगर आप 50 लाइक क्रॉस करते हो तो मैं सेकेंड एपिसोड जरूर लेके आऊंगा तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको टैग चैनल क्यों नहीं चालू करना चाहिए ट्वेंटी में और क्या प्रॉब्लम आ सकता है अगर आप ट्वेंटी में आप अगर टैग चैनल ओपन करते हो तो और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है तो एंड तक जरूर देखना तो time, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स द वीडियो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक आपको छोटी सी क्लिप दिखाना चाहता हूँ वो देखिए फिर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं hey i asked you uh what youtube niche would you start 756 of you voted and i was super surprised by the answer it was not top 10 meditation health or finance the number one niche you guys want to start is tech so you can see here, 756 votes and in this uh टॉप नीच सेलेक्ट कर रहे है वो टैग चैनल सेलेक्ट करें और तो यही एक सबसे पहला रीजन है कि बहुत ही ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ आपको तो नोट टेन प्रो का फर्स्ट सेल है 16 को जो कल है और आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितने सारे वीडियोज आ चुके हैं तो आप देख सकते हो कि बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ गया तो मैं नोट टेन प्रो के आप देख रहे हो कि नोट टेन प्रो के ही सब वीडियोज है तो जो सेकंड पॉइंट है वो मेरे साथ हो चुका है तो अगर सिक्सटीन uh, को आपको फोन लेना है तो आपको पता नहीं रहेगा कि आपके पास फोन आएगा या नहीं आएगा क्योंकि तुरंत दो वीक पीछे अपलोड करे हो तो ये अगर आप जीरो से स्टार्ट करे हो टैक्स चैनल तो ये पॉइंट आपको जरूर ध्यान में रखनी होगी तो मेरे साथ जो एक इंसिडेंट हुआ था वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ तो पोको एम आ, का फर्स्ट सेल आया था तीन तारीख को और मैंने वो वही दिन को मैंने बुक कर दिया था और मेरे पास फोन आया नाइनटीन को और अब मैं थ्री वीक पीछे हूं अगर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो तो बहुत ही आ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आप ये टैग चैनल चालू करते हो जो पॉइंट है वो मेरा लास्ट पॉइंट है, है और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है और बहुत ही मतलब गहरा पॉइंट है आप थोड़ा ध्यान से सुनना है इस पॉइंट को

आपके पास वन मिलियन हो तो आपका मिनिमम टू लाख या थ्री लाख व्यूज आना ही चाहिए तो आप देख सकते हो कि इनका जो सैमसंग गैलेक्सी ट्वेंटी वन का अनबॉक्सिंग था उनका सिर्फ ट्वेंटी सिक्स के व्यूज आ रहा है ये वीडियो में तो सिर्फ सेवनटीन के व्यूज ही आया है तो ये जो आ, मसंग गलेक्सी एस ट्वेंटी वन का जो फाइव जी अनबॉक्सिंग था ये सबसे लास्ट इन्होंने अनबॉक्सिंग किया इसके वजह से इनका ट्वेंटी सिक्स के व्यूज़ आया क्योंकि सबसे पहले सब ने वीडियोज़ डाल दिया था तो इनका व्यूज़ क्यों आएगा बट मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि अगर आसूस आरो जी फ़ोन का सबका सब ने एट द एंड वन मिनट या टू मिनट पर ही वो लोग सब ने अपलोड किया जो भी मोर व्यूज़ वाले हैं तो इनके व्यूज़ क्यों नहीं आए वन मिलियन सब्सक्राइबर अराउंड हो गए हैं तो इनका जो आ, व्यूज़ क्यों नहीं आए? क्योंकि इनका जो चैनल है वो शेडो बैन हो चुका है और इन ये जो वी, वीडियो है वो सब्सक्राइबर को दिखता ही नहीं है कभी कभी आप इधर अगर एग्जैक्टली exactly यही टाइप करके अगर सर्च मारते हो तो भी इनका वीडियो नहीं आएगा तो ये एक बहुत ही बड़ा आ, कौन है यूट्यूब पे अगर आप टैग चैनल चालू करते हो और कोई भी नीच आप अगर फॉलो करते हो और आपका अगर शेडो बैन हो गई है चैनल तो आपके अगर वन मिलियन सब्सक्राइबर हो तो भी आप ये वीडियो से कुछ भी अर्न नहीं कर पाओगे तो जो सेकंड चैनल है वो आई कैन की चैनल है और वो बहुत बहुत ही ही ज़्यादा बढ़िया प्रेजेंटेशन देते हैं बट इनका भी शेडो बैन हो चुकी है चैनल और आप देख सकते हो उनके साथ ही उन्होंने ये वीडियो अपलोड किया था तो अगर आप टैग चना चालू करते हो और आपके साथ कुछ ऐसा हो गया तो आप क्या करोगे तो ये एक बहुत ही बड़ी चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप टैग चलना चालू करते हो तो आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी पड़ेगी अगर आपके 18 के व्यूज आ रहे हैं अगर आप 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो तो बहुत ही हर्ट होता है एक बड़े यूट्यूबर को कि अगर ये डिजर्विंग यूट्यूबर हो तो जो थर्ड चैनल है वो 91 मोबाइल्स है तो इनका भी 1.31 मिलियन सब्सक्राइबर है इनका तो क्या बताऊं यार 2.4 के व्यूज ओनली तो इसमें क्या हुआ था कि कंसिस्टेंट ही अपलोड कर रहे थे बट इनकी जो चैनल शेडो बैन हुई है बहुत ही गंदे तरीके से शेडो बैन हो चुकी है तो ये जो शेडो बैन का जो सिलसिला चालू हुआ था वो बहुत ही पहले से चालू हो गया है बट ये क्यों कर रहे क्योंकि अगर आप मैं इनका वीडियो ओपन करता हूँ जैसे मैंने अभी ओपन किया और मैंने सिर्फ एक मिनट देख के मैंने बंद कर दिया तो YouTube क्या करता है कि इनका वीडियो है वो प्रमोट नहीं करता है तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कुछ भी चीज दिखा रहे हो तो ये वीडियो एंड तक देखे सब्सक्राइबर। अगर आपके सब्सक्राइबर ही एंड तक नहीं देख रहे हैं तो आपके चैनल पे व्यूज बिल्कुल ही जीरो आएगे तो अगर मैं यही भी वीडियो ओपन करके देखता हूँ और मैं अगर आधे से ही बंद कर देता हूँ तो फिर ये इनकी चैनल शाइडो बैन होगी ही होगी क्योंकि अभी यूट्यूब क्या कर रहा है कि अगर आप यूट्यूब पे अगर आप आते हो और आप टैग चैनल चालू करते हो और यूट्यूब को अगर आपसे प्रॉफिट होगा अगर आपका आपके वीडियोस वो लोग लो लाइफ लॉन्ग टाइम देख रहे हैं अगर आपका पंद्रह मिनट का वीडियो है और वो अगर पूरा पंद्रह मिनट देखते हैं तो यूट्यूब का जो वॉच टाइम है यूट्यूब का जो एप्लीकेशन यूज़ है वो पंद्रह मिनट बढ़ गया तो वो वाला वीडियो ज़्यादा प्रमोट होगा तो जो फोट चैनल है वो मेरी बहुत ही फेवरेट चैनल है और मेरे को बहुत मज़ा आता है इनको वीडियो देखते हुए बट ये जो वीडियो लाते हैं वो बहुत ही देर से लाते हैं तो उसकी वजह से मेरे ख्याल से ज्यादा व्यूवर्स देखते नहीं है बहुत सारी चैनल है जो मैंने आपको इधर दिखा रहा है तो आप जाके सर्च कर सकते हो प्राइज बाबा डॉट कॉम फिर ये भी एक नई चैनल है अभी अभी चैनल है तो मैं समझ सकता हूं कि इनका कम व्यूज आ रहे हैं तो आप देख सकते हो है, कि चुका है, है तो भी आपके पास व्यूज नहीं आएगा आपको कुछ नया और इंटरेस्टिंग करना पड़ेगा आपके चैनल पे तो ही आपका व्यूज आएगा तो ये भी एक बहुत ही मस्त चैनल है इनके भी चैनल पे व्यूज बहुत ही कम आ रहे हैं अभी और ये एक नई नई चैनल है तो मैं समझ सकता हूँ बट आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप टैक्स चैनल चालू करते हो तो और टैक्स चैनल भी एवरग्रीन चैनल नहीं है तो एवरग्रीन चैनल क्या होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा तो ये वीडियो में इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके पूरा वीडियो देखिए पूरा पूरा वीडियो देखिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में